प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। किसका? चंपक चाचा। मतलब तुम पुलिस को फोन नहीं कर रहे थे? नहीं, ये चंपक चाचा मतलब मेरा बापूजी, श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। पोपटलाल जी, अरे हम लोग आपके साथ मजाक कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, सब मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं समझते हो यार। और आपने सुना नहीं है भिड़े जी ने क्या कहा कि ऐसा कभी हो सकता है कि हम जाए और आप हमारे साथ ना आए? देखा, मजाक पता ही नहीं चला क्या एक्टिंग की हमने। हा? मजाक नहीं समझते पोपटलाल, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करो। कितना बढ़िया एक्टर है हम सब है। मुझे तो लगता है हम सब गलत लाइन में हैं। हम सबको तो एक्टर ही होना चाहिए था। एक्टिंग, वाह वाह वाह। तो इसका मतलब है कि मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर हम जा रहे हैं तो आप हमारे साथ आ रहे हैं। मतलब पोपटलाल, पहले हमारा जाना तो डिसाइड होने दो कि हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हाँ, पहले घर जाकर पत्नियों को मनाना पड़ेगा ना। सही बात है। ओ मेहता साहब, कुछ जबरदस्त आइडिया सोचो ना, ताकि हमारी बीवियां मान जाए और हमको लाउला डांस पार्टी में जाने की परमिशन दे दे। मेहता साहब, कुछ तो सोचिए, ये गोल्डन चांस हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए। एक बार तो लाउला पार्टी में जाना ही है। मतलब जाना चाहिए। आइडिया, एक आइडिया है। दसो। इमोशनल ब्लैकमेल। मतलब भावुकता से भय दोहन। मतलब? अरे मतलब जब हमारी बीवियों को हमसे कोई बात मनवानी होती है तो क्या करती हैं? भावुक हो जाती हैं, रूठ जाती हैं, आंसू बहाती हैं, और हम लोग उनकी भावुकता को देख के उनकी बात मान ही लेते हैं। तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे तो 100% मान जाएंगी। बराबर 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 है मेहता साहब। सही बात है, जैसी बीमारी वैसा इलाज। लोहा लोहे को काटता है। यही यही बराबर है। क्या बराबर है? तुम क्या यार भाई, क्या बोलते हो? तुमको क्या पता? मतलब क्या, इनको सब पता है। चंपक चाचा जी का नंबर है इनके पास। बराबर, रख दो। तो ऑपरेशन इमोशनल ब्लैकमेल शुरू। यस। अरे देखो बबीता, ये जेंट्स का प्रोग्राम था, वहाँ पर हम अपनी वाइफ को लेकर नहीं जा सकते थे, बहुत अनकंफर्टेबल रहता। और फिर तुमको बुरा नहीं लगे इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। अय्यर, बुरा मुझे लग चुका है and I'm really upset about it. बबीता, तुम अपसेट मत हो, हैप्पी रहो, हैप्पी।
तभी तो तुम मेरे को पार्टी में जाने का परमिशन दोगी। मैं कोई परमिशन नहीं देने वाली हूँ। बबीता प्लीज प्लीज बबीता, मैं तुमको चांद पर लेकर जाऊंगा। बबीता मैं सोच रहा हूँ कि इस बार दुर्गा पूजा में हम लोग कोलकाता जाएंगे। Really? Yes, yes, बबीता, हम लोग दुर्गा पूजा में कोलकाता जाएंगे। तुम भी मेरे को पार्टी में जाने के लिए यस बोल दो ना, प्लीज 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 बबीता। ओके फाइन, यस। थैंक यू बबीता, थैंक यू। सॉरी तारक, मैं आपको यस नहीं कहूंगी। ठीक है अंजलि, मत बोलो यस, कोई बात नहीं। तुम यस नहीं बोलोगी तो नहीं जाऊंगा ना पार्टी में, कोई बात नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं अंजलि, कोई दुख नहीं है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा या तुम यस नहीं बोल रही हो। दुख है तो इस बात का अंजलि कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे। वाह तारक वाह, मुझे धोखा देकर यूरोपियन डांस पार्टी में आप जाओ और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको गलत समझ रही हूँ। आपके दिल में मैं नहीं पार्टी है, पार्टी, समझे अंजलि। नौटंकी नहीं कर रहा हूँ कोमल, तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो, एक बिजली सी कड़क जाती है। वही बिजली आज तुम पर गिरेगी कि... और प्लीज मुझे मनाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं मानने वाली। फॉर्मूला नंबर टू। ये क्या प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन नहीं, ये एक मोटे से आशिक का प्रेम पत्र है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। बंद करो हंस, इस तरह से फिल्मी गानों के शब्द यूज करके मुझे मनाना बंद करो। ओके ओके ओके। फॉर्मूला नंबर थ्री। ओके ओके ओके। मेरी हैवी डोज विटामिन की गोली जैसी कोमल, तुम तो मेरे जीवन का ऑक्सीजन हो, यूं कार्बन डाइऑक्साइड बनके मुझे मत तड़पाओ। प्लीज मुझे पार्टी में जाने के लिए इस हाथी क्लिनिक से डिस्चार्ज दे दो ना। डिस्चार्ज? अभी तो ट्रीटमेंट होगी कोमल। हस्बैंड वाइफ के बीच सर्दी खांसी जैसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। प्लीज कोमल, मुझे मेरे दोस्तों के साथ लावला डांस प्रोग्राम देखने जाने दो ना। नहीं। फॉर्मूला नंबर फोर एंड फाइनल। देखो कोमल, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया ना तो मैं तुम्हें उठा के गोल 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 घूमता रहूंगा, चाहे मुझे चक्कर क्यों ना आ जाए, मैं घूमता रहूंगा घूमता रहूंगा घूमता रहूंगा। रेडी, वन टू थ्री। अरे नहीं, मैं तो तुम्हें उठा के घुमाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उठा के घुमाऊंगा। एक मिनट, तुम जा सकते हो। थैंक यू माय कोमू, सो स्वीट माय कोमू। माधवी, सच कहूं तो शर्म मुझे भी आ रही है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी है जो ऐसा डांस शो देखने जाना पड़ रहा है आपको? तुम समझ नहीं रही हो माधवी, अगर मैं नहीं गया ना तो गोकुलधाम के सारे दोस्त मुझे गद्दार कहेंगे। वाह, क्या कारण दे रहे हो? नहीं, कारण नहीं दे रहा हूँ माधवी, मैं सच कहूँ तो ये दोस्तों के साथ फालतू लावला डांस पार्टी में जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं मान रहा है। नहीं मान रहा है ना? हाँ। तो मत जाओ। आप ही तो कहते हो ना कि जिसमें मन नहीं है वो काम नहीं करना चाहिए, बस। लेकिन माधवी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वहाँ पे कुछ काम न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। अच्छा, समाज और सोसाइटी की परवाह है आपको, लेकिन पत्नी की परवाह नहीं है, है ना? नहीं नहीं माधवी, तुम्हारी परवाह है मुझे। ठीक है, वैसे भी आज तक लोग कहते ही थे कि आत्माराम तुकाराम भिड़े पत्नी की साड़ी इस्त्री करता है, अब आज के बाद बोलेंगे कि भिड़े पत्नी से डरता भी है। मुझे डरपोक कहेंगे? कहने दो, कल तो मैं बोर्ड पे भी जाके लिखने वाला हूं कि आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी डरपोक है।
फिर लोग कहेंगे वो देखो डरपोक भिड़े जा रहा है, वो देखो डरपोक भिड़े आ रहा है। कमाल है, भारत देश को 1947 में आजादी मिली थी, पता नहीं इस देश में पतियों को कब आजादी मिलेगी। आपको आजादी चाहिए ना माधवी? अगर तुम्हारी मन से इच्छा है तो ही मुझे आजादी परमिशन देना, वरना ठीक है मैंने अपना मन बना लिया है। थांबा, मैं आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूं, अब जा सकते हैं पार्टी में। काहे? काहे माधवी? थैंक यू माधवी, ये दोस्तों के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। रोशन कितने जा रही है तू? मेरे मम्मी पापा के घेर। तुझे पार्टी शार्टी करना है ना, तो मुझे मेरे मम्मी पापा के घेर जाना है। ठीक है। और सोनिया जहाँ तू जाएगी वहीं मैं भी आऊंगा। आज तुझे फैसला करना होगा, पार्टी या पत्नी। पार्टी? हाँ नहीं, पत्नी। अरे रोशन मेरी जान, और मैं कहाँ बल्लू की तरह रोज पार्टी शार्टी करता हूँ, और मैं कहाँ हरीश भाई की तरह घर पर लेट आता हूँ, और मैं कहाँ धनंजय भाई की तरह घर पे आके नशे में हंगामे करता हूँ, और मैं कहाँ वो वर्मा जी की तरह घर पे आके बीवी पे गुस्सा करता हूँ। वो एक बार इस पार्टी के लिए हाँ कर दे फिर मैं पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा। और प्लीज रोशन मान जाना, प्लीज मान जाओ। पार्टी शार्टी माटे टंडन घेलो छे घेलो। ओए रोशन, घेलो छू पर तारा प्रेम मा छू और तेरा पीछा ना। रोशन तू गाना मत गा, पार्टी में जा। हाँ? परमिशन ग्रांटेड। की गल कर रही है सोनिया, परमिशन ग्रांटेड। आई लव यू सोनिया, आई लव यू। दया प्लीज, ऐसा क्या कर रही है तू? हाँ कह देना प्लीज दया, प्लीज। ठीक है, आपको जा भूला पार्टी में, विदेशी गोरियों का डांस देखने जाना है ना, जाइए। सच? आपको मेरी परवानगी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच? दया सिर्फ बापूजी को बता दीजिए। ए दो बाहू में जो बापूजी को गांव में परेशान करो, वो बेचारे मस्त उधर यज्ञ में बैठे होंगे, उनको परेशान करके क्या मतलब है, क्या फायदा है दया है? यहाँ कौन हाजिर है? तू तो जाहिर सी बात है तुझे ही पूछना पड़ेगा ना मुझे दया। दया अगर तूने हाँ नहीं कहा ना तो मैं आज से कभी जलेबी फाफड़ा नहीं खाऊंगा। ये तो अच्छा है ना, आपका वजन कम हो जाएगा। आज के बाद मैं कभी टीवी नहीं देखूंगा। ये तो और भी अच्छा है, हम दोनों को साथ में बैठ के बात करने का वक्त मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं प्रण लेता हूँ, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आज के बाद कभी 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 गरबा नहीं खेलूंगा, 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 गरबा नहीं खेलूंगा। ए वाह बतेजे, टप्पू के पापा ये आप क्या अनर्थ कर रहे हो? आप गरबा खेलना कैसे बंद कर सकते हैं?
तो क्या करूं दया, क्या करूं? तूने मुझे मजबूर किया है ये प्राण लेने के लिए, गरबा नहीं खेलने के लिए। अगर तू मुझे पार्टी में जाने की परवानगी दे देती तो ये नौबत ही नहीं आती ना। ऐसी बात है तो अब जाइए, जाइए पार्टी में, रोज जाइए, मैं आपको खुशी खुशी परवानगी देती हूँ। सच दे? हाँ। थैंक यू दया, थैंक यू। थैंक यू बाद में, आप पहले अपना प्राण वापस ले लीजिए। ओके दया, ओके। मैं अपना प्राण वापस लेता हूँ बस। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। अरे थैंक यू यू। दया इसी बात पे हो जाए गरबा, हो जाए। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब मिशन सफल, दया मान गई। मिशन सक्सेस जेठालाल, मिशन सक्सेस। अरे जेठालाल भावना है तो किस मुकाम पे क्या बताऊं, अंजलि ने भी हाँ बोल दिए। ओह क्या बात है। जेठालाल एक मिनट, जेठालाल एक मिनट, अय्यर का फोन आ रहा है। मुझे छोटी का फोन आ रहा है। हाँ भाई। मेहता साहब गुड न्यूज है, बबीता ने मेरा को यस बोल दिया है। अरे इधर भी गुड 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 न्यूज। अरे दया भाभी ने जेठालाल को और अंजलि ने मुझे हाँ कह दिए। वेरी गुड वेरी गुड। ओए जेठाफरा अपना मिशन सक्सेसफुल। मेरा भी। ओए अब लावला पार्टी में चमके धमाल ही धमाल करेंगे, मोजा ही मोजा करेंगे। ओए तुसी भी लक्की, असी भी लक्की, अब मेरी प्यारी रोशन मान गई। बड़े मास्टर हमने अपनी भोली पत्नियों को पटाया और वो पट गई, अब हम लोग पार्टी में जा सकते हैं। हाँ हाथी भाई पहली बार माधवी की जगह मैंने पापड़ बेले। कैसे उसको पटाए मैं ही जानता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ कल का इंतजार है। क्या मजा आने वाला ये लावला पार्टी में। सही बात है। रुको रुको मैं जेठा भाई को भी लाइन पे लेता हूँ। हाँ हाँ। अरे मेहता साहब मुझे बताओ तो सही क्या हुआ, मेरी सारी बहनों ने हाँ कही कि नहीं? जेठालाल कल हम सब लोग लावला पार्टी में जाएंगे। अरे वाह बबीता जी भी मान गए, वाह वाह वाह। एक मिनट पोपटलाल का फोन आ रहा है। हाँ पोपटलाल। अरे जेठालाल पता चला है कि सभी पत्नियों ने हाँ कह दी है। हाँ सिवाय तुम्हारी पत्नी के। अरे सॉरी तुम टाइम पे बिल्कुल जीप लेके सबको पिकअप करने आ जाना, हाँ भूलना मत। ओ मेहता साहब तुसी फिकर ना करो, पर उससे पहले अपनी प्यारी प्यारी भोली पत्नियों की जय। तो दोस्तों गोकुल धाम में पतियों ने आजादी की विजय पताका लहरा दी है, पतियों को मनाने का मिशन पूरा हो चुका है, अब लावला पार्टी में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों ये जो पति नाम का प्राणी होता है ना, ये पत्नियों को बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। पहले तो गलतियां करते हैं पति और उसके बाद पत्नी को किसी न किसी तरह समझाई देते हैं, और हमें लगता है कि पत्नियां समझती नहीं है, वो सब समझती हैं, सब जानती हैं, लेकिन जानबूझ के अनजान बनी रहती हैं हम लोगों को खुश रखने के लिए। लेकिन इस वक्त लावला पार्टी में जाने का जो हाईवे है उसमें रास्ता बिल्कुल क्लियर है, कोई भी सिग्नल नहीं है, इसलिए हमारे साथ पार्टी मनाने के लिए सोमवार को आप भी आइएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, गोकुल धाम की महिलाओं ने अपने अपने पतियों को पार्टी में जाने की इजाजत दे दी है, अब वो क्या चुप बैठेंगी? जिस तरह से हर रास्ते में कोई ना कोई मोड़ जरूर होता है, महंगाई हमेशा बढ़ती चली जाती है, भ्रष्टाचार हमेशा ऊंचाई की ओर अग्रसर रहता है, और जिस तरह सांप हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है ये परम सत्य है, ठीक उसी तरह गोकुल धाम में हंगामे भी परम सत्य है। और एक परम सत्य और है, आपके चेहरों की करोड़ों की हंसी जो हमेशा अटल रहेगी। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.